बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समैरा और आप हैं मेरे YouTube चैनल यू कैन कुक पर। आज हम विंटर स्पेशल गाजर का हलवा बनाएंगे। खोए के बगैर बिल्कुल खोए जैसा गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर क्लिक करें। तो चलें गाजर का मज़ेदार हलवा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं, इनको ग्रेट कर लिया है। इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे मैंने 5 लीटर दूध लिया था, इसको रिड्यूस करके तकरीबन 2.5 लीटर के करीब कर लिया था। अब इसको गाजरों में ऐड कर देंगे। अब इसकी पकाई करना आसान हो जाएगा और हमें कम वक्त लगेगा हलवा बनाने में, अगर आप दूध को ऑलरेडी रिड्यूस कर लेंगे तो। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चलाते हुए दूध को रिड्यूस करेंगे। 6 अदद सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे, या आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए दूध को हमने ख़त्म कर देना है गाजर में से। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक दूध ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी लिक्विड इसमें बाकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे दूध की ही बलाई 1 कप के करीब। यहाँ पे हमने दूध का इस्तेमाल और बलाई इसलिए की है कि खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप खोया डाल रहे हैं तो फिर 2 लीटर दूध काफ़ी होगा। तो ये देखें दूध तकरीबन रिड्यूस हो चुका है, ख़त्म हो गया है। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे 1 कप के करीब, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और अब इसका लिक्विड सारा ड्राई करेंगे। चम्मच मुसलसल चलाते रहें। तो ये देखें यहाँ पे लिक्विड सारा ड्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच देसी घी, या आप डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं। मक्खन ऐड कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हलवे की भुनाई कर लेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। 3-4 खाने के चम्मच के बराबर मैंने बादाम क्रश किए हुए लिए हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट काजू पिस्ता वगैरह ऐड कर सकते हैं। कुछ किशमिश ऐड की है। बस जी हमारा बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बनके रेडी हो चुका है खोए के बगैर, क्योंकि मोस्टली खोया घरों में होता नहीं है, तो इसलिए दूध और मलाई के इस्तेमाल से इसको बनाया गया है। डिश आउट कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाती है आपके घर में ही मौजूद चीज़ों से। और आप इसको महफूज कर सकते हैं फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए, या फ्रीज़र में 1 माह तक भी सेव कर सकते हैं। जब आपको खाना हो आप निकाल के इसको ओवन करें और खा लें। आप इसको पार्टीज़ के लिए बनाएँ या दावत के लिए बनाएँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।